तो ये देखिए आज हमने बनाई है गोभी आलू की सब्जी रेसिपी। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे बनता है और इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसको बनाने के लिए हमने लिया है आलू, जिसे हमने इस तरह से काट लिया है। हमने लिया है कटी हुई गोभी और हमने लिया है बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ, बारीक कटी हुई टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हमने लिया है दही। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हमने दही लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गोलकी जीरा पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। हम तेल को गर्म होने देंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए आलू रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने वापस से वही कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी। हम इसे हल्का भून लेंगे। देखिए गोभी रेडी हो चुकी है। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे भी इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने वापस से वही कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें थोड़ा तेल ऐड करेंगे और हम तेल को गर्म होने देंगे। ये तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। अब हम इसे भून लेंगे। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। हम टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसे मिक्स करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। इसे मिक्स करेंगे और जब मसाले को आप डाल लें तब इसे जल्दी जल्दी चलाएं, वरना दही फट जाएगी। अब हम मसाला को रेडी कर लेंगे। इन सभी चीजों को मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब मसाला अच्छी तरह से भुना चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी। अब हम इसे भी मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसे ढक देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इसे बीच बीच में खोल कर चलाना भी है। तो ये देखिए इसे कुक होते हुए 7 मिनट हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती। हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए गोभी आलू की सब्जी रेसिपी बनकर रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।